है तो, और अगर आपके पास दो से ज़्यादा पेयर है तो आप उनको मतलब एक जूते के लिए दूसरे में जा डाल के उसको मतलब एक थोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे ये जो लेसेस है ये मैं बाहर से लाया हूँ, ये इसकी ओरिजिनल लेसेस नहीं है, ये इसकी जो लेसेस थी वो वाइट में थी, बट मैंने ब्लैक में एक बार चेंज करके देखा खाली एक चेंज के लिए, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगे। हाँ मैं बार बार वापस चेंज करता रहूँगा, मैं वापस वाइट भी डालूँगा, बट ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि लेसेस होती है उनके साथ अगर आप खेलते रहोगे तो आपको एक्चुअली में लगेगा कि आपके लिए कौन सा जो है लेस सूट हो रहा है, और अलग अलग आउटफिट्स के साथ अलग अलग लेस सूट होती है, तो आप अपना वो चीज़ बनाओ। नेक्स्ट जो शू है वो है मेरा स्नीकर नाइकी एयर फोर्स वन, ये वाला लेता हूँ। ये इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, जो भी स्नीकर हेड्स हैं उनको तो पता ही होगा तो ये जूता अभी कितनी हैवी है और काफ़ी क्लासिक पे है, कहीं पर भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर ये एकदम बहुत बढ़िया लगता है। तो हाँ ये जूते के जो ये है पूरा लेदर बिल्ड है और काफ़ी टाइम से पहन रहा है इसको, लगभग 2-2.5 साल से पहन रहा हूँ, इसलिए ये है काफ़ी ख़राब और गंदा हो चुका है, बट ये जूता ये तो मतलब मेरा वन ऑफ द टॉप फेवरेट है, भारी है, काफ़ी भारी है, जो पूरा पेयर है दोनों जूतों को मिला के अगर आप वेट करोगे तो लगभग 700 ग्राम का पड़ता है। तो हाँ अगर आपको भारी जूता नहीं चाहिए तो आप उसको अवॉइड करना, और बाकी जो शूज से लेके आगे के जो ये एवरीथिंग इज सो गुड, कम्फर्ट इसमें बहुत है, बट खाली एक प्रॉब्लम है जो बाहर है, और बाकी आप अगर देखोगे इसकी टंग जो है इसकी टंग में कुशनिंग नहीं है, तो हाँ अगर आपको टंग में कुशनिंग चाहिए और बाकी सब अगर थोड़ा और चाहिए तो आप एयर मैक्स के जा सकते हो। बट जो ये जूता है ये बहुत क्लासिक है, वाइट स्नीकर है, इसके भी बहुत सारे कलरवेज आते हैं, तो आपको जो भी कलर है पसंद हो वो आप चूज़ कर सकते हो। तो ये जूता जो है ये अभी 13,000 के अंदर मिल जाएगा, और अगर इसके छोटे छोटे साइज़ देखने हैं तो और भी चीप में मिल सकता है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आपकी जो ओरिजिनल साइज़ है वो ही लो, क्योंकि ये जो है ये 2-2 साइज़ आता है। बाकी आप देखोगे तो इसकी भी मैंने जो है लेसेस चेंज कर रखी है, इसकी जो लेसेस है मैं आपको बताऊँगा कौन सी लेसेस है। एक्चुअली मैं इसकी लेसेस को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था तो काफ़ी गंदी हो गई थी और फटने भी लग गई थी, इसलिए मैंने इसके दूसरी लेसेस डाल दिए, बट इन लेसेस के साथ भी काफ़ी अच्छा लगा है और आप तो देख ही सकते हो। बाकी आप मैं आपको इसके सिनेमेटिक दिखा था और आपको एंजॉय करो। ऐसा कि आपने अभी देखा ये फेवरेट्स, इसकी जो लेसेस हैं ये भी मैंने थोड़ी चेंज की थी जो मैंने आपको अभी बता दिया है। बाकी हाँ इसको तो मैं 100% रेकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय करना, अगर आपको क्लासिक स्नीकर चाहिए और अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है तो आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट आप चलते हैं मेरे दूसरे स्नीकर पे, ये आई थिंक मेरा लास्ट स्नीकर होगा जो मेरे 3 स्नीकर में काउंट करूँगा मैं, जो वो लास्ट होगा। ये जो है ये है एडिडास के एक शूज़ है, ये काफ़ी इतने महंगे शूज़ भी नहीं है बट ये काफ़ी एडिडास के शूज़, इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, वैसे ये अच्छा होगा आप इसके दूसरे कलर में इसको पैक कर सकते हो। ये जो शूज़ है इसका जो मटेरियल जो है वो एक तरह से जो जीन्स का मटेरियल होता है उस टाइप का मटेरियल, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट एक चीज़ है कि इसके साथ जो लेसेस आती है मुझे काफ़ी कम पसंद है, और इसीलिए मैंने उसकी जो लेसेस है इसकी लेसेस मैंने इसके अंदर डाल दी, और जो मेरे एयर मैक्स की वाइट लेसेस थी वो मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर ली, क्योंकि मुझे वाइट लेसेस के साथ पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर चेक कर सकते हैं। Thank you.
बाकी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट भी है और स्नीकर में भी काम होगा। तो अगर आपको एक अच्छा स्नीकर चाहिए तो वो काफ़ी अच्छा है। इसकी जो प्राइस है वो है लगभग 7,000 के प्राइस है, तो इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड स्नीकर कम्पेयर टू लाइक अदर एक्सपेंसिव जो जूते होते हैं, उनसे काफ़ी अच्छा जूता है। और किसी भी चीज़ पे तो मैं नहीं कहूँगा, बट काफ़ी सारी चीज़ों पे ये बहुत अच्छा लगता है, तो हाँ मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये जो तीन जूते मैंने अभी आपको बताए ये मेरे हाईली रिकमेंडेड जूते हैं। ये तीन अगर आप इनमें से एक भी रख सकते तो आपका मतलब एक शूज़ का जो होता है ना कि हाँ मेरे पास शूज़ है तो वो आपको कम्प्लीट हो जाएगा। ये तीनों रखने जूते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। से पहले आपको मैं शूज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ये वन एंड ओनली शू है, बट काफ़ी अच्छा शू है, सिर्फ कुछ नहीं उसका कम्फर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये जो है इसका नाम है नाइकी एयर मैक्स अल्फा ट्रेनर 4। तो हाँ मेरे पास दो एयर मैक्स हैं, वो स्नीकर वाला एयर मैक्स है, ये स्पोर्ट्स शू वाला एयर मैक्स है। दोनों एयर मैक्स काफ़ी कम्फर्टेबल होते हैं, तो आपको कम्फर्ट की तरफ जाना है के लिए आपको मैं लेसेस को आप चेंज करो, ये मैं रेकमेंड करूँगा। जूता ओवरऑल वेरीनेस कर एक जूते पे लिखा होता है एयर और दूसरे पे लिखा हुआ होता है मैक्स, तो ये बनता है एयर मैक्स एयर मैक्स अल्फा ट्रेनर 4। अच्छा शू है ये जो ग्रुप तो है, ग्रुप तो है।
चीज है। एक चीज है कैसे ही फील करते हैं सर, पर मेरे साथ चीज है बट ये इसको जब मैं भी राइट अब देखो इसको अगर मैं फुल टाइट करूं तो जो जूता है उसका जो चिपकने वाला हिस्सा इधर और इधर का ये काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो हाँ अगर ये चीज जो है इधर होती तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसको पूरा टाइट कर सकता है। वरना अभी जो है मुझे ऐसे करके इसको काम करना पड़ता है, हो सकता है काम करते हैं। उनको पता है कि ईजी क्या होता है, तो नेक्स्ट से ये लगता है कि हाँ ये ईजी के कॉपी होंगे, बट ये ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल शू है। बट शूज़ होते हैं जैसे कि ये वाला शूज़ है, ये भी मेरा काफ़ी फेवरेट है और ये भी अच्छा है। बस इसमें ये है कि जो इसका जो आउटसोल है, जो एडिडास का आउटसोल है, वो कंप्रेस्ड एयर का है, तो इसलिए क्या होता है ना कि जब आप समझो थोड़ा रफ रोड पे चलते हो तब आपको जो वो रफनेस है वो आपको फील होगी, और वहीं पर अगर आप एयरमैक्स या एयरफोर्स को यूज़ करोगे या इवन दिस एयरमैक्स अगर आप इवन इसको यूज़ करोगे तो आपको फील नहीं होगा। खाली इसी जूते में जब मैं मुझे ये थोड़ा फील होगा, बाकी ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत मस्त है, तो हाँ आई रिकमेंड आपको बाय करना चाहिए। और हाँ जो स्केचर्स की प्राइस है वो है 5,000 से भी मैं आपको बहुत।
चलो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन डिफरेंट वीडियो। बाकी रिसेंटली मैंने कल टाइम से आपसे याद होगा और आपने भी देखा तो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। हाँ गाइज, वन मोर थिंग, जो आपको इधर या इस तरफ में जो आपको इस इन शॉट का जो है लोगो आ रहा होगा, आप बताना अगर ये सॉफ्टवेयर में एडिटिंग के लिए आई मूवी से ज़्यादा बेटर है तो मैं अब आज से इसी को यूज़ करूँगा। आई कैन थिंक ऑफ गेटिंग द प्रीमियर वन, बट मुझे लगता है कि मुझे अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा, वरना आपको हमें बता देना, मैं वापस अपने आई मूवी को चला लूँगा। आप कल तो मैंने आई फोन से एड किया था, बट शायद आज मैंने आई फोन से एड करूँगा। थैंक यू सो मच।